जी नमस्कार। तो इन मूल्यों को किस प्रकार देखते हैं? ये 9 दून 18 हो गए। धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा जो कि स्वभाव भी हैं, तो यहां पर मानव मूल्य ही स्वभाव के रूप में, स्वभाव ही मानव मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य तो स्वभाव नहीं थे, उपयोगिता ही मूल्य था। तो मानव मूल्य में कैसे आ गया ये सोचने की बात बनती है ना? धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना तो स्वभाव है। तो ये बिल्कुल ठीक बात। मानव के रूप में मूल्य क्या चीज हो रही है? जो मूल्यों को ठीक से समझेंगे तो व्यवस्था, और व्यवस्था में जीने का विश्लेषण का योगफल है मूल्य। व्यवस्था का बोध होना और मानवीयता पूर्ण आचरण का विश्लेषण होना इससे जो सार बना, मतलब फिर से याद करिए, एक अपन ने चार्ट बनाया था कि न्याय, धर्म, सत्य, स्वभाव और धर्म। तो जब मानव में स्वभाव धर्म की बात कर रहे हैं तो वो न्यायपूर्वक जीते हुए धर्म की स्पष्टता मतलब क्या हुआ कि बोध मतलब व्यवस्था, और व्यवस्था के स्वरूप में ही जीने का विश्लेषण जिसको कह रहे हैं, है ना? इस व्यवस्था में जीने के लिए क्या चाहिए, कैसे इस व्यवस्था में एक मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ जी सकते हैं, है ना? इन दोनों के योगफल में ये बात बनी। तो व्यवस्था के साथ मानवीयता पूर्ण आचरण का विश्लेषण करते हैं। अब चूंकि मानवीयता पूर्ण आचरण का विश्लेषण होता है तो न्याय धर्म सत्य के साथ ही होता है। यहां पर जब न्याय धर्म सत्य है और यहां पर धर्म है, ये धर्म है व्यवस्था और ये न्याय धर्म है जो है वो क्या है, दृष्टि है। ठीक। तो मूल्य क्या है? व्यवस्था में जीने का तरीका ही मूल्य है ना? वो क्या हम किस उपयोगिता के साथ जिएंगे? तो मानव में स्वभाव ही मूल्य बना। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? देखो, ये दृष्टि है, धर्म, व्यवस्था और विश्लेषण जब हम करेंगे तो ये न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण है। ये दोनों के योगफल से मूल्य की बात होती है ना? उपयोगिता की स्पष्टता होती है। और इसीलिए मानव में जो स्वभाव है वही मूल्य है। तो जब मानव के रूप में बात कर रहे हैं तो यही मानव मूल्य ही, मानव स्वभाव ही मानव मूल्य, ये जीवन की बात हो रही है। देखिए कितना साफ साफ बात है, जीवन की अपने में क्या उपयोगिता है, ये मानव की बात हो रही है। ये मानव व्यवहार के काल में, मानव मानव के साथ, मानव धन मानव, और ये मानव प्रकृति के साथ है। इस प्रकार से ये पूरा सेट है।
छोटी मोटी बातें हैं इसकी, इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो समझ लेंगे। तो मानव मूल्य ही मानवीय स्वभाव है और मानवीय स्वभाव ही मानव मूल्य है। मतलब मेरा एक मनुष्य होने के नाते जो मेरा स्वभाव है वही मानव का मूल्य है। जबकि जीवन को देखेंगे तो जीवन में मूल्य सुख शांति संतोष आनंद के रूप में। जीवन में मूल्य किस प्रकार से है? सुख शांति संतोष आनंद है ना। मानव में मूल्य धीरता वीरता उदारता पूर्वक। और मानवीय व्यवहार मतलब जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके बाद, एक तो अपने होने के रूप में है वो मानव के रूप में, एक जीवन के अपनी स्थिति के रूप में, सभी स्थितियों में मूल्य है। और एक व्यवहार के काल में अपनी स्थिति क्या बन रही, एक प्रकृति के साथ कार्य के समय क्या बन रही, इस प्रकार से पूरा मूल्य शिक्षा है। ठीक। जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद, मानव मूल्य धीरता वीरता उदारता। अब इसको ठीक ठीक समझ लो, यहां से बहुत सारा रास्ता निकलता है। यदि आप सुखी होने के लिए काम करते हो तो संवेदनाओं में जाके बैठोगे। क्या कहा? जीवन मूल्य को यदि आप पाना चाहते हो तो या तो आदर्शवाद में चले जाएंगे या भौतिकवाद में जाएंगे। इसीलिए मानव मूल्य सफल तो जीवन मूल्य सफल। तो हमको सुखी होने के लिए काम नहीं करना है। क्या कहा? एकदम कंट्रास्ट में कह रहा ना। सुखी होने के लिए जो भी आदमी काम करेगा वो व्यक्ति बाद में जाके डूबेगा। मेरा अनुभव, मेरे को सुख हो जाए, ये हो जाए, वो उसका उसका व्यक्ति बाद में अंतिम गंतव्य स्थल। मानव मूल्य में जीना है। आप मानव हैं, मानव मूल्य में जीते हैं तो जीवन मूल्य अपने आप ही घटित होता है। उसकी चिंता छोड़िए, सुख की चिंता छोड़िए, शांति की चिंता छोड़िए, संतोष की चिंता छोड़िए, आनंद की चिंता छोड़िए, फॉरगेट अबाउट दैट। मानव हो तो मानव मूल्य में जीना, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, इसको यदि हम सफल कर लेते हैं उसमें कम से कम धीरता वीरता उदारता है, तो जीवन मूल्य स्वतः ही तृप्त होता है, पूर्ति होती है उसकी। बहुत की पॉइंट है। नहीं तो जैसे आप बच्चों को देखेंगे, बच्चे जो हैं वो सुख के अर्थ में क्रियाशील होते हैं। जितनी देर जहां सुख मिला उतनी देर बैठेंगे, तो उठ के चल देंगे। तो उनका आचरण कैसा होता है? दे आर ड्रीवन बाय द सुख। तो हम सोचे बच्चों को फ्री छोड़ दो ऐसे कैसे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। दे आर ड्रीवन बाय द सुख, वो कभी भी सुख को नहीं पा पाएंगे अगर ऐसे छोड़ दे तो। ये जो पूरा वेस्ट में जो चल रहा है कि फ्रीडम दो फ्रीडम दो छोड़ दो छोड़ दो, इसका कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, इसका कोई गंतव्य स्थल ही नहीं है। जहां पर आपको ठीक लगता है वहां जितनी देर ठीक लगता है उतनी देर काम करते हैं, उसके बाद उठ के चल देते हैं। एक बार आपसे बात हो रही थी है ना, याद है आपको? आपने बताया था आंटी के बारे में कि वो उतनी देर काम करती जितनी देर उनका अच्छा लगता है, उसके बाद उनका अच्छा लगना बंद, काम बंद, ऐसे बताया था। ध्यान रखना, मेरे को सारी बात याद रहती है। आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया, सब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप सब युवाओं को ठीक से समझना चाहिए। हम सुखी होने के लिए क्रियाशील, मर गए, मरना ही है। सुख एक इंटेंट है, वो जीवन में है। तो यदि हम कह रहे हैं कि मानव का समस्त कार्यक्रम सुखी होने के लिए, वो बात बिल्कुल एक अलग जगह से कही जा रही है, उसको ठीक से समझा जाए है ना। जीवन का होना ही सुख के अर्थ में है ना, वो ठीक बात है। लेकिन मानव का सारा कार्यक्रम यदि केवल सुखी होने के लिए होता है तो जाके या तो संवेदना में बैठेगा या व्यक्तिवाद में जाएगा। संवेदना भी व्यक्तिवाद है, आदर्शवाद में जाएगा। तो देन पीपल बिहाइंड द सुख हो गए, जबकि हमको समाधान चाहिए ना, हमें काम तो समाधान के लिए करना है, समाधान से सुख। ठीक है ये बात। तो जीवन मूल्य सफल होने से ही मानव मूल्य सफल, सॉरी उल्टा,
अब के लिए हो गया, कुछ सुनने के बाद में सोचता हूँ कि क्या मना हुआ है। तो मानव मूल्य सफल तो जीवन मूल्य सफल, और एक बार अनुभव हो गया तो जीवन मूल्य सफल हो गया, तो फिर उसके बाद जीवन मूल्य सफल तो मानव मूल्य के बारे में पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता क्या मानव मूल्य। ये मानव मूल्य सपने में कहाँ से आ गए, सपने में तो आए नहीं। नागराज जी को अनुभव संपन्न होने से, जीवन में सुख शांति संतोष आने से, अब शरीर के साथ एक मानव रूप में जीने का क्या मतलब निकला, तो वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना। अब एजुकेशन में क्या आया कि हमको धीरता वीरता उदारता पूर्वक चलना है ना, उसको सफल करना है तो अपने आप ही सुख होने वाला है ये, ठीक है। तो समाधान सुख है, मुझे समझ में आ गया, तो स्नेह की बात तो हो ही गई, लेकिन अब ये भी समझ में आ गया कि धीरता पूर्वक न्याय के प्रति दृढ़ता पूर्वक जीना, न्याय के लिए समस्त प्रयास करते रहना, पूरे हाथ पांव मारते रहना, और न्याय के लिए अपना तन मन धन को लगाना, अगर ये सब न्याय संगत विधि से लगता है ना, तो अपने आप ही सुख शांति संतोष आना बना रहता है, अच्छी दिक्कत को नहीं। यदि ये स्पष्ट नहीं है तो बहुत सारा झंझट है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है। बड़े साहब ठीक चल रहा है, सही कह रहा हूँ मैं? तो मानव मूल्य में अब जब आएंगे तो व्यवस्था की बात आएगी, न्याय आएगा तो व्यवस्था, न्याय बिना व्यवस्था का होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्याय क्या है, बहुपक्षीय, उभय पक्षी, एक मैं और एक संसार, ये दोनों का जिसमें भला होता है वही न्याय, इसको बोलते हैं उभय पक्ष। इसमें वन टू वन समाया हुआ है, लेकिन वन टू वन नहीं है कि केवल मेरे से सुजीत भाई नाराज हो गया तो अन्याय हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उभय पक्षी का उभय पक्षी, एक मानव और एक समग्र, दोनों ही पक्ष में तृप्ति की बात है, दोनों ही पक्ष में तृप्ति की बात है। ये वन टू वन में नहीं है, वन टू वन में तो कोई माने हुए, कुछ कुछ माने हुए, कुछ कुछ नहीं माने हुए, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से देखना की जरूरत है कि हमको समझ में आ जाए कि उभय पक्षीता क्या है, कुल उभय पक्षी क्या है। तो मानव और मानव जाति अविभाज्य है, मानव और मानव जाति अविभाज्य है, यही उभय पक्षीता है। तो मैं इस एक उस प्रकार से जीता हूं जो पूरी मानव जाति की के मतलब अर्थ में है, और उससे मेरा भी भला होता है ना। तो स्वयं में व्यवस्थित, समग्र व्यवस्था, भागीदारी, इस प्रकार से न्याय की बात बनती है। न्याय वन टू वन में जब भी करने जाएंगे हम, है ना, केवल क्या करेंगे, है ना, एक दूसरे का तुष्टिकरण, एक दूसरे का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, नहीं करें, लेकिन उसको न्याय मान लेना वो ठीक नहीं है, एक दूसरे का अनुकूलता, तो अनुकूलता को न्याय माने रहते हैं, है ना, क्या अनुकूलता प्रोवाइड हो गई, लगता है यही है न्याय, न्याय हो गया। किसी भी तरह की अनुकूलता कोई समय बाद प्रतिकूलता ही है, तो इससे तो बात पूरी पड़ती नहीं है। तो ये समझ में आ जाए कि अनुकूलता नहीं चाहिए या नहीं करें, प्रतिकूल होकर तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने दिन में अनुकूलता प्रतिकूलता में कन्वर्ट होती है उसी समय जग लो भैया, और जगने के बाद यही है कि हम कैसे उभय पक्षीता के साथ जी पाए। उभय पक्ष न्याय क्या है, संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, मानव भी तृप्त, मानव जाति भी तृप्त। अब मानव और मानव जाति तृप्त कैसे होगी भाई, तो यहां से फिर से अपन चार्ट बनाएंगे तो कैसा होगा कि मानव में अगर हम बात करेंगे, है ना, तो धीरता वीरता उदारता एक प्रकार से देखेंगे तो स्वभाव मूल्य की बात हुई, और इसी को हमने दूसरे तरीके से भी समझा, है ना, कि मानव और मानव जाति में फिर से वो चार्ट याद आएगा ना आपको, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना। तो अनुभव से विधि की बात हो रही मानव जाति में, विचार से संस्कृति, स्मृति दीदी डांट लगाएगी तो मेरे को नहीं लगाएगी, आपको लगाएगी, नहीं दिखेगा तो।
सभ्यता और कार्य के साथ जुड़ा व्यवस्था। तो यदि न्याय की बात है तो अनुभव मानव जाति में किस प्रकार विधि के रूप में पहुंच जाएगी? न्याय की बात है, विचार किस प्रकार से संस्कृति में पहुंचे, ये न्याय की बात है ना? ये व्यवहार में किस प्रकार से सभ्यता, ठीक है ना, और कार्य से किस प्रकार से व्यवस्था, इसको न्याय करें। यदि इसके बीच में हार्मनी हो गया तो न्याय हो गया, उभय पक्ष तृप्त हो गया, इसमें सब दूसरे समाये हुए, छोड़ के तो है नहीं गई। लेकिन यदि छोटे में बड़े को समाने जाते हैं, पूरा कहानी उल्टी पुल्टी हो जाती। अब मैंने तो पूरा जोर लगा दिया एक आदमी के साथ ही, है ना, पूरा बंदूक तोप गोला उधर लगा दिया उसको कन्विंस करने के लिए, ये कछु न्याय वाय नहीं है दद्दा, है ही नहीं। ये तो वापस वही बीबी पटाओ मियाँ पटाओ प्रोग्राम है। तो हम कर ही रहे हजारों साल से, कितने साल से कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। अब एक नए कारण से करने लगो, जागृति कारण बना लो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा कोई विरोध है ना, हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ये ठीक से समझ में आ जाए कि कैसे मेरे पास जो अनुभव है वो कैसे विधि बने, मतलब हमारी सभी एक्टिविटी में। विधि का मतलब होता है मूल्य का संरक्षण, तो सभी एक्टिविटी में किस प्रकार से मूल्य संरक्षित रहे, उसकी परंपरा कैसे बने, है ना। विचार जो है वो एक पूरे जीने के पूरे संपूर्ण आयाम को, है ना, एड्रेस करे, और वो एड्रेस जो है वो मानव जाति तक पहुंचे और संस्कृति बने। इस प्रकार से न्याय का कार्यक्रम, ये पूरा कार्यक्रम ही न्याय का है। इसमें पूरा बाबा जी एक लाइन बोल के सारा न्याय का कार्यक्रम ही शुरू कर दिए, केवल एक लाइन से शुरू हुआ है। क्या एक लाइन बोले, मानव जाति के पुण्य से फलित अनुसंधान मानव जाति को लौटाना है, जिसका सामान उसको लौटाना क्या है, न्याय है। अब अपन अब यहां से पूरा न्याय का कार्यक्रम चालू है, अब न्याय की अपेक्षा में है, न्याय बिल्कुल इस प्रकार से कार्यक्रम में है, न्याय 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 हर जगह है। मैं न्यायपूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, है ना, ये वाली बात जो बनती। तो यदि मेरा जीना का कनेक्शन मुझे एकदम ठीक ठाक इसमें नहीं दिखता है तो यह अन्याय है ना। अलूफ हो गया तो वो लॉस्ट हो गया, कहीं वो अन्याय हो गया, दोनों पक्ष तृप्त नहीं है, मैं भी तृप्त नहीं होने वाला है, सब कुछ करके क्या हुआ। तो मानव जाति में अगर देखेंगे तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एक रूपता हो जाना ही न्याय है, उसका स्वरूप यहां पर है। तो हम इसको कह रहे हैं कि समाधान है ना, समाधान के साथ समृद्धि है। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एक रूपता, एक रूपता क्रिया की पूर्णता ही एक रूपता है। अगर ऐसा कोई स्वरूप में हम जीना बनता है उसका नाम न्याय है। अब मानव जाति के लौटाना इसमें जुड़ा ही हुआ है, मेरे मैं भी इस बात में मिला तो मेरे मेरे लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ पूरा कार्यक्रम देने का है, क्या देने का है, जिसकी चीज उसको देने का है, मेरे पास तो आ ही गई, अब देना है। ये देने के अर्थ में लेना होता है, लेने के अर्थ में देना नहीं होता है। तो मानव जाति के पुण्य से फलित हुआ, आप बाबा जी इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिए, 3 योजना है ना, जीवन उदय योजना, शिक्षा का मानवीकरण योजना, ग्राम स्वराज है ना योजना, ये योजना 3 योजना दी है। इस योजना में ही अपन अब सब चल रहे हैं, इसी बीच में मेरे पास भी आ गया ये, तो मुझे भी देना है ना। आप देना किस प्रकार से, ये बात अपने में, ये देने के अर्थ में ही जल्दी समझ में आती है, कभी भी लेने के लिए ये बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि दिखता ही नहीं क्या मेरे को मिल गया रहा है इसमें, बात ही देने की। न्याय का मतलब ही होता है कि, है ना, तो वही लोग टिक पाते हैं इसमें जो देने के लिए आ जाए। तो मैं तो बोलता तीन ही बात है, तीनों खूंटा गाड़ लो, समाधान ही सुख है। किसी के यूं बोलने से नहीं, किसी के यूं मुंह मिलाने से, किसी के यूं कर देने से हमारा कोई दुख उख नहीं हो रहा है, हमारा अपना समाधान है ना। तो समाधान ही सुख है, श्रम पूर्वक ही सारा सामान उपलब्ध है, समृद्धि है, और पूरा कार्यक्रम देने का है। एक बार देने के लिए आप खड़े हो, ये देखिए इतनी जल्दी समझ में आता है,
है ना। और नहीं तो क्या होता है, देखिए न्याय के पहले की स्थिति क्या है, आप न्याय की याचक हो, क्या हो, कोई हमको दे, याचक। और इसका विकल्प क्या है, न्याय प्रदायी क्षमता। सीधा, या तो आप न्याय के याचक बन के जिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, या तो आप न्याय के याचक बन के जिए और हमेशा गुहारे लगाते रहते, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं, कोई तो न्याय करो यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो यार, है ना, चले जा रहा है वो। और या तो फिर आप न्याय प्रदायी क्षमता में खड़े होते हैं, मानव का वैभव यही है भैया कि हमको न्याय का गुहार नहीं लगाना है, अब न्याय प्रदायी क्षमता के साथ खड़ा होना है। और उसके लिए क्या करना है, केवल न्यायदर्शी होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है, न्यायदर्शी। दर्शी का मतलब देख पाना न्याय क्या चीज होता है, ये लौटाने भी आपके अंदर स्वभाव जन्मेगा, क्योंकि आपने वो अपने को ऐसा अर्थ में पहचान कर लिया। स्वभाव क्या बताया था, स्वयं की व्यवस्था, तो जिस भी प्रकार से हमने कर लिया वो हमारा स्वभाव हो गया, कोई चीज में नहीं है। स्वभाव हमेशा अर्जित गुण है, अर्जित, एक्वायर्ड। मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के वश जो है ना अर्जित गुण है वो केवल स्वभाव है। धर्म तो हमारे अंदर है ही नहीं, दिया होता केवल जो निहित है उसकी स्पष्टता नहीं है। और फिर जीना कैसे, उस बिंदु को पकड़ना है तो अपने आप ही स्वभाव अर्जन होता है। और वो क्या होता है जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने में, वो केवल इतना होता है कि मैंने अपने आप को किस लिए पहचाना है, ठीक, मानव जाति तक लौटाना है। और एक लौटा के कहाँ तक पहुंचेगा, विश्व परिवार तक। तो क्या विश्व परिवार के बाद न्यायपूर्वक जीना बंद हो जाएगा, तो देने कार्यक्रम नहीं रहेगा तो क्या होगा, बना के रखना कार्यक्रम, है ना। हर बार संबंध की पहचान, तो वो एक पूरी परिभाषा अपना दे बात रहने की बात है और बनाए रखने की बात है, दे बात रहने की बात है और बनाए रखने की बात है। जैसे गौशाला यहाँ पे सेट है मान लीजिए, तो क्या आने वाली पीढ़ी को या जो भी लोग जा रहे हैं उनको गौशाला को बना के रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उतनी बात है, क्योंकि बच्चे फिर भी पैदा होंगे, उनको हमको देना ही है, बच्चे तो हमेशा पैदा होते रहेंगे, इसलिए हम सब बड़े उनको देते रहेंगे, बच्चे गदगदा गदगदा करेंगे, क्या दिक्कत है ना। अभी बच्चों को चाहिए, देने वाला कोई नहीं है, बच्चे से तो बड़े लेना चाहते हैं, बच्चों से तो बड़े लेना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट ही है। अभी न्याय बताएं, एक तो मैं एक जो व्यवस्था है, बहुत वॉल्यूम ज्यादा बेटा, थोड़ा दूर कर लीजिए। तो उभय पक्षी ही न्याय है, उसमें एक तो मैं हो गया और दूसरा हो गया एक व्यवस्था। समग्र व्यवस्था जब कह रहे हैं तो परिवार मूलक व्यवस्था नहीं कह रहे हैं। जैसे आप अपनी जिंदगी के साथ न्याय कर पाए, तो आपको जो भी हवा मिली उसके साथ भी न्याय किया आपने, जो आपने हवा ली और जो छोड़ी उसके साथ न्याय हुआ, नहीं तो अन्याय हो गया। इतना प्रकृति में रात दिन कुछ काम हुआ, हम अपनी उपयोगिता को पहचान ही नहीं पाए, तो न्याय कहाँ से कर लिया। तो एक आप हैं और एक समग्रता में है, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, आप एक हैं फिर एग्जिस्टेंस में सारी चीजें हैं। यदि हम अपनी उपयोगिता के साथ खड़े हो गए तो न्याय हो गया, नहीं तो इतना रोटी खाए तो क्या किया उसका। तो भैया, जब दो व्यक्ति के बीच में हार्मनी होती है तो वो न्याय के ये फलन दो में होता व्यक्ति है। क्या चीज होते हैं, ये फिर से आगे लफड़ा। नहीं, मैं वो समझ रहा इस तरह से कि जब न्याय होता है, एक तो मैं और एक व्यवस्था है, उन दोनों के बीच में जब न्याय घटित होता है, तो जब दो व्यक्ति के बीच में हार्मनी या जो परिवार के बीच में हार्मनी होती है, उसका फलन में है क्या? ये सब नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा कहीं से गलत क्लास अटेंड करके आया, ये दो व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही है। एक मानव अपने संपूर्णता के साथ जीने की बात हो रही है, उसको दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, सभी समाये हुए। आप इस शरीर यात्रा का सदुपयोग कर लेंगे तभी न्याय कहलाएगा, और आपने अपने इस यात्रा का सदुपयोग किया तो जो कुछ भी खाया पिया घुमा फिरा सब सबके साथ न्याय हो गया ना, पूरा सिस्टम के साथ न्याय हो गया। इतने सालों में एक धरती पर जीवन प्रमाण घटित हुआ, कितने सालों में जो मेहनतों के एक शरीर बना, अभी आप सदस्य को प्रमाणित कर लिए, ये न्याय हुआ। ये 1-to-1 का गेम छोड़ी है ना, 1-to-1 का तो उसमें समाया ही है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवर वैल्यू कर देंगे ना तो फंस जाएगा मामला। तब तो कुछ दिन, एक दिन आदमी का आदमी बोल देगा, ए मेरे से मैं दुखी हूँ तेरे इस कार्यक्रम से, तो आपको फिर आपका ये परिभाषा आपको ले डूबेगा, जबकि आपको हो सकता है कि दिखाई दे कि वो अपने किसी मनमानी से दुखी है और आपसे अपनी मनमानी पूरी कराना चाहता है ना। हंसी आते लोग, बात मनमानी की नहीं है, बात किसी के दुखी होने की भी नहीं है। दुखी कैसे होता है आदमी,
समाधान पूर्वक होता है, समस्या पूर्वक होता है। सुखी कैसे होगा वो, क्या आप कर दोगे? आप बोलिए, दूसरा आदमी का क्या क्या करेगा इसमें? दूसरा आदमी को छोड़ने रहे, बार बार मैं वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है ना ये बात? कोई भी आदमी सुखी होगा अपने समाधान, फिर तो एक ही देव मानव दिव्य मानव पर्याप्त है। सबको समझने की जरूरत क्या है, शिक्षा की जरूरत क्या है, व्यवस्था की जरूरत क्या है, संस्कृति की जरूरत क्या है, सभ्यता की जरूरत क्या है? बोलिए। तो प्रत्येक मानव अपने समाधान सुखी, ना कि आपके कार्य व्यवहार से, इसको तो रूट आउट करो। तो फिर समाधान पे काम हो ना, नहीं तो चापलूसी पूर्वक काम कर क्या करेंगे आप बताओ? कोई नाराज ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए, हो जाए भाई, ये क्या मतलब निकलता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें पता है ना कि समाधान पूर्वक ही सुखी होता है। तो आदमी यदि समाधान संपन्न नहीं है तो दुखी ही रहने वाला है। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, एक आदमी को सुखी करके दिखा दो, कर ही नहीं सकते। यदि उसने बोला कि गर्दन काट के दे दो और आपने काट के दी, तो भी वो शिकायत करेगा। क्या कहा, क्या शिकायत करेगा? अबे ठीक से काटनी थी, ये गिरती बार बार, इसको रखूं कहां मैं? ठीक से तो काट के लाता, और ये कोई टाइम है तो मेरे सोने का टाइम, इससे मैं काट के लेके आया। तो भैया ये सब झंझटों से थोड़ा बाहर आइए। एक जैसे एक इकाई हो आप, आपकी एक इकाई का समग्रता में प्रभाव है, कोई मना ही नहीं, उसमें सभी समाये हुए, उसका भी कुछ नहीं, लेकिन आपका अपना सदुपयोग तो हो जाए पहले, नहीं तो केवल चाटुकारिता ही, और नहीं तो केवल वो व्यवहार कुशलता जिसको हम बोल रहे हैं, सो कॉल्ड मनोरंजन सर्कस है वो, क्या है वो? तो भी न्याय जो है व्यवस्था में ही होता है, तो एक बिल्कुल। तो उभय पक्षी, तो एक पक्ष तो मैं हूँ जो समाधान संपन्न हूँ, और दूसरा पक्ष सीधा व्यवस्था है। बिल्कुल, उसमें दूसरा मानव भी है। सेट, ये सभी लोग ठीक से सेट कर लें। तो संबंध की पहचान हुई, क्या संबंध की पहचान हुई? इस फॉर्मूले में देखेंगे तो इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसको कह रहे संबंध की पहचान। अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसमें संबंध है ही, संबंध को पहचान रहे, ठीक बात। अब न्यायपूर्वक जीना हमारा ड्राइव है, यहां से शुरू होता है। तो मानव मूल्य सफल तो जीवन मूल्य सफल। सुखी होने के लिए काम मत करिए, हो सकता है कि अभी आपको घिसना पड़े, अभी आपको जगना पड़े, बहुत सारा सुनना पड़े, बहुत सारा काम करना पड़े, लोगों के साथ बहुत सारा घर्षण हो। ये जब सुखी होने के लिए चलेंगे ना, तो भाई साहब हम पतली गली पतली गली पतली गली ढूंढते हैं। दुख ना होना चाहिए हमको, दुख क्यों नहीं होना चाहिए? हो गई, क्या प्रॉब्लम है? हमारे कारण थोड़ी ना हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है, ठीक। लेकिन अपना ठीक ठीक मूल्यांकन भी जरूरी है, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? इसको अच्छे समझ लीजिए। तो मानव मूल्य सफल होने से जीवन मूल्य सफल होते ही हैं। मानव मूल्य सफल किए बिना शोध विधि से अध्ययन विधि से हम जीने जाएंगे और जीवन मूल्य को पाने जाएंगे, तो वो व्यक्तिवाद में फंस जाएगा, है ना? कहीं हम पहुंचने वाले नहीं। तो धीरता वीरता उदारता ये मिनिमम है, उसके लिए स्टार्टिंग जो धीरता ही है, उसके लिए यही यही निर्णय होना जरूरी है कि भैया बहुत हो चुका, अभी अपने अपने को अपना सदुपयोग करना है, तन का, मन का और धन का, है ना? अभी हमको नहीं पता सही व्यवहार क्या है, कार्य व्यवहार गलत क्या है, छोड़ो ना उसको। अभी हम किसी के कार्य व्यवहार से दुखी सुखी भी होने वाले नहीं, अभी हम अपना में अपना सदुपयोग को पहचान रहे, समझ रहे हैं। अस्तित्व मूलक जो भी डिजाइन दी गई हैं, जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं, उन सभी को हम अच्छे से समझ रहे हैं, और समझने के बाद ये काम अपना तन मन धन का ठीक से सदुपयोग हो जाए। कितना बढ़िया, कौन सा इसमें बाधा है? सारी बाधा के ऊपर आ गए आप। बाधाएं क्या थी? तन मन धन को लेकर ही जो भ्रमित मान्यता है वही बाधा है, उसमें एक दूसरे का अप्रूवल,
अप्रूवल नहीं चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए। अप्रूवल इज डिफरेंट थिंग, कन्फर्मेशन डिफरेंट थिंग। यदि मैं किसी चीज को देख पा रहा हूँ तो मैं उसको जी पा रहा हूँ, तो आप भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, कम से कम एक देख पा रहा होगा, ये कन्फर्मेशन की बात है ना, ये प्रमाण के रूप में कन्फर्मेशन। अप्रूवल नहीं है, मान्यता नहीं है वो। अभी तो देखिए, अभी भ्रमित संसार में कैसा हो रहा है, हर आदमी किसी न किसी एक से अप्रूवल लेकर बैठा ही हुआ है। और कितने लोग चाहिए लोगों को, अभी भी एक ही आदमी चाहिए, एक मिल गया अच्छा, कहीं को एक बीवी मिल गई, कहीं को एक पति मिल गया, कहीं को एक मित्र मिल गया, कहीं को पड़ोसी मिल गया, कहीं को कुछ नहीं मिला तो नौकरी मिल गया, एक नौकर अच्छा मिल गया, जिंदगी तर गई सर। उन्होंने बोले ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है सर, आप तो देवता हो जी, है ना, तो चल जाती गाड़ी, चलने में कितनी देर लगती है। हाँ झूठा ही सही। तो ये तो सबको पता ही है कि ये जो प्यार है ये झूठा ही है, इतना भी नहीं हो पा रहा है अभी तो। ठीक, अब व्यवहार के मूल्य क्या हैं, है ना, मैं जब मनुष्य के रूप में जीने जाता हूं है ना, तो कितनी चीजों से इंटरेक्ट करता हूं ना, जैसे हमने देखा कि अपने से पाला पड़ा और एक पूरी व्यवस्था के साथ पाला पड़ा, तो ये विश्वास का मुद्दा आ गया। इस पूरे अस्तित्व में जो व्यवस्था है, इसमें मैं ठीक से जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, मेरे मानव मूल्यों को सफल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब ये प्रश्न का उत्तर दिए। ठीक, नाउ इट यू आर डीलिंग इट, मतलब और नीचे जाकर आप कई सारे पॉइंट को डील कर रहे हो, फंक्शनलिटी में आ गए आप, है ना। धीरता में क्या है, धीरता वीरता उदारता में क्या है, एक प्रकार से आपके जीने का उद्देश्य, डायरेक्शन, अपनी उपयोगिता, ये सब यहाँ जुड़ा। और जब आप इन व्यवहार के मूल्य जब कह रहे हैं, तो तुरंत 1-to-1 हमें गुजराते हैं अपन, तो व्यवहार के मूल्य में आप फंक्शंस में हम आ गए, कई तरह मतलब पूरा अस्तित्व है अपने आप में, उसमें हम अपने आप को हर पॉइंट पे कैसे पहचान पा रहे हैं, कैसे हम वहन कर पा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी किताब पढ़ में समझ में आएगा। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह। विश्वास क्या हुआ, ये अस्तित्व अपने में एक व्यवस्था है भैया, उस व्यवस्था में मेरा कुछ एक आचरण की बात है, एक निश्चित आचरण की बात है ना, वो निश्चित आचरण अभी मेरे को भाषाभाषी है, परिभाषाएं जरूर आ गई, लेकिन उन आचरण का व्याख्या होना अभी और आगे 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 होना है, तो उसके साथ मिलकर कैसे हम निभ सकते हैं, जी सकता हूँ मैं। ठीक, इसी प्रकार सम्मान की बात आई, तो अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे, मैं निभ पा रहा हूँ नहीं निभ पा रहा हूँ, कितना आगे बढ़ा, कितना बचा, क्या, ये सब मूल्यांकन की बात है। इसमें दूसरा आदमी किधर है ना, और दूसरा आदमी छूटा भी नहीं है, और स्नेह की बात आई, तो अब ये ना, एक मानव होने का मतलब जो सुखी होना है, और सुखी होने का मतलब क्या, वो वस्तु क्या है, इस प्रकार से इन सभी जगह पर हम फंक्शंस में, फंक्शनलिटी में आ गए, उसको कह रहे हैं व्यवहार मूल्य। अब आ गया चौथा मूल्य जो है वो वस्तु, मतलब कोई भी जड़ वस्तु के साथ हम डील कर रहे हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता को हम पहचान रहे हैं, सभी जड़ वस्तु उपयोगी है, दैट्स इट, हमारा इससे क्या लेना है भाई, टाइगर भी है, सांप भी है, दीवड़ भी है, सब रहो जी। अब हमारी उपयोगिता के साथ अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए, है ना, शरीर को बना के रखना जरूरी है, शरीर परंपरा बने रहने, दोनों चीजें अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए, अभी आपसे बात हो रही थी खाने, भोजन अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए शरीर को बनाए रखना जरूरी, और क्या करना है, शरीर परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना, दोनों चीजें तो एक ही जैसी बात है, तो उसके लिए अभी हम सभी वस्तुओं को पहचानते हैं, वो सभी के बारे में हमारे को पता है, उपयोगी है, केवल अब हमको सिलेक्टिव होने के बाद हमारी जरूरत के आधार पर क्या चीजें हैं, उन 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 वस्तुओं को हम लोग पहचान लेते हैं। हम शेरनी का दूध निकाल के थोड़ी पी रहे, क्या पता अच्छा ही होता होगा, है ना, लेकिन एक छोटा सा दूध के लिए इतना लफड़ा कौन पाले, है ना, ऊंटनी का दूध पियो कहाँ जाके निकालें। ठीक, तो ठीक है भैया, अपने शरीर को बनाए रखना है, और अपने मानव परंपरा में शरीर परंपरा बनी रहे, इसके अर्थ में आप चीजों को पहचानना है, बाकी सब बढ़िया।
अंटार्कटिका में जाके अपने गड्ढा खोद खोद के बर्फ के नीचे झांके देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मानव चेतना देव चेतना संपन्न हो जाएगी तब सोचेंगे कोई काम नहीं होगा तो वही करेंगे, है ना। वो सभी सभी चीजें ठीक है, अपना अपनी जरूरत क्या वो पहचानो। नहीं तो प्रकृति में सामान दुनिया भर का पड़ा हुआ है और सभी उपयोगी है। वो कीवी खाओगे तो आपके ब्लड में फलाना शेर है ना बढ़ जाता है। अरे हमें नहीं चाहिए दादा, हमारे को तो रोटी चाहिए पेट भर जाए, है ना, अपना काम कर सके। ठीक, तो सभी उपयोगी हैं। ओके नमस्ते। हमारी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए हम जहाँ रह रहे हैं उसमें इजी क्या हो उसको देखेंगे ना। मैं कब कह रहा हूँ कि शेरनी के दूध पीने से शरीर में बल नहीं बढ़ता, बढ़ते होगा, नहीं तो ये दांत ही कम से कम नहीं घिसते होंगे। 100 ग्राम पिए जाए तो दांत में डिगे नहीं होता, कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक हो गया। इस विधि से अब कला कला का मतलब क्या हुआ कि उस उपयोगिता का संरक्षण कर ले। जैसे हमने देखा कॉटन, मनुष्य ने पहचान लिया भैया कि इसकी कोई उपयोगिता है हमारे लिए, वैसे तो वो तो उपयोगी ही है ना। कॉटन के नीचे जो डंडा लगा वो भी उपयोगी है, लेकिन कावा केवल कांटा वो कॉटन लेके आए हम काहे के लिए, अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए। अब इसकी कोई उपयोगिता है ये मैच कर जाती है। चलो बढ़िया, तो ले आए कॉटन ले आए, अब ऐसे निकाल निकाल के लाए तो क्या हो गई, कला हो गई, संरक्षित किया कॉटन को। और फिर ऐसे लगाते होंगे पहले लोग, तेल वेल लगा के, तेल भी नहीं होता होगा, चिपका लेते होंगे ऐसे फोए, है ना, बार बार गिरते रहोगे फिर चिपका होंगे। हैं, ख्याल में मत खो, आ जाओ। अब क्या हुआ कि इसको धागा बना लिया, क्या बना लिया, किसी ने बना लिया होगा, रक्षा सूत्र हो गया। धागा बन गया तो क्या हो गया, रक्षा सूत्रम धारणम करोमि। रक्षा सूत्र कभी बनाए थे, जब कपड़ा नहीं बनाया उसके पहले रक्षा सूत्र, तो कहीं जाना होता होगा तो ड्रेसअप में कितना टाइम लगता होगा, पूरा धागा है लपेटते होंगे, है ना। नहीं ऐसे अनुमान कर ही सकते हैं अपन, धागा लपेट के चलो भैया ताकि ठंड गर्मी ना लगे अपने, है ना। फिर धीरे धीरे कलाएं कलाकारी बढ़ती रही, उसमें उपयोगिता का संरक्षण होता रहा। कपड़ा बना लिए, कपड़ा बना लिए तो अब इजी हो गया, ऐसा कपड़ा डाला चल दिए, फट से डाला चल दिए, है ना। अब फिर संकट क्या आया कि वो बार बार झुको तो नीचे गिर जाए, तो आधा टाइम जिंदगी का उसी में इधर और इधर, जिंदगी आधी उसी में निकल जा रही, कहाँ अपनी उपयोगिता प्रमाणित हो, है ना। वो कपड़ा ही बार बार पल्लू जो है वो सटक ही रहा नीचे, तो किसी ने उसमें छेद कर दिया, छेद करने के बाद बढ़िया हो गया। अब ये सब कलाकारी हैं, अब छेद कर दिया अपना घूम रहे हैं, अब ये ठंड लग रही तो क्या करें, तो कुछ बांध दिया, तो बांधा होगा पहले ऐसा रस्सा, फिर रस्सा छोटा हो गया होगा तो यहीं से बांध दिया, कुछ कुछ करते रहे, काम होता रहा। ठीक है, इस प्रकार से कलाकारी बढ़ती जा रही है, विस्तार से बता दिया आप, ऐसे बढ़ जाती है। अब इसे पूरे में उपयोगिता का संरक्षित है तब तो ठीक है, लेकिन इसी बीच में आ गया अंबानी, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी कितना महान काम कर दिया, महान आदमी, पहले से कोई अंबानी के बाप हो गए विदेश में हमको पता नहीं, इंडिया में तो उसी का नाम। क्या कर दिया, प्लास्टिक का धागा बना दिया और कॉटन के साथ मिक्स कर दिया, यहां से एक अलग कहानी चल रही। अब क्या कहानी चल रही कि अब उपयोगिता उपयोगिता साइड में लगी भी है, अब वो प्लास्टिक के कपड़े पहन रहे हो आप, पर हम लोग जितना कपड़े पहन रहे हैं ज्यादातर उसमें प्लास्टिक ही पहन रहे हैं, ये सब प्लास्टिक नहीं तो क्या है ये। अब उपयोगिता का मुद्दे खत्म हो गया। ठीक, अब कर लो, अब मैं पहले कपड़ा बनाऊं कि पहले ये बात करूं आपसे, क्या करूं, ये भी मेरे लिए संकट, तो कितना करें हम, ये भी है, तो ठीक है उसको बाद में धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना, तो अब इस प्रकार से वो उपयोगिता के साथ कला जो थी वो कला बन गई, कला साइड में रह गई, कला शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, जैसे ही किसी भी कला में कोई भी कला हो उसमें उपयोगिता लॉस्ट, कला शुरू, कला धन उपयोगिता सुंदरता, कला माइनस उपयोगिता कला बदसूरती।
ये बात बन गई उसी के प्रमाण में, देख ही रहे हैं तमाम चीजें हो रही। ठीक है, ये सारी बात आ गई, ये मूल्य समझ में आ गए। इस प्रकार से अब इसमें से की कहाँ से निकलता है? मानव मूल्य, व्यवहार मूल्य की नहीं है, ये भी समझ लो। एंट्री कहाँ से बांधे हैं? वो उपयोगिता मूल्य कला मूल्य से भी एंट्री नहीं लगेगी। आप सोचोगे मैं गाय पाल लूं, पहले कॉटन उगा लूं, थ्रेड बना लूं, धागा में तेल भी मैं निकाल लूं, उससे क्या होगा? हजारों साल से कोल्हू का तेल निकाल के पी रहे हैं अपन, कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा महाराज कैलाश भैया, तो होगा धीरता वीरता उदारता से। कोल्हू खरीदने से कुछ नहीं होता है, ठीक खरीदेंगे बनानी है, लेकिन उससे चलेगा नहीं कार्यक्रम। एंट्री पॉइंट कहाँ से? तो मानव मूल्य से, वो भी कहाँ से? छोटा सा काम करिए, धीरता, यहां से एंट्री। शिक्षा में अब चीज आई, तो शिक्षा क्या कह रही है, धीरता का मतलब क्या है उसको स्पष्ट कर रही है। आज वैसे भी हमने बढ़िया बढ़िया वो खाए हैं, बच्चे बता रहे हैं, हलवा हलवा खाया, तो आज दो सेलिब्रेशन है, 8:30 बजे इसको पूरा करेंगे। तो शिक्षा क्या कर देती है? आदमी में धीरज को पैदा करती है, धीरता को पैदा कर देती है, न्याय के प्रति उसमें तीव्रता को पैदा कर देती है। क्या बेटा कर ले, न्याय हो जाए जिंदगी एक बार, क्या हो जाए? कैसे? सभी इकाइयां प्रकृति में, जितनी इकाइयां हैं, वो सभी व्यवस्था में भागीदार हैं। मानव न्याय विधि से व्यवस्था में भागीदार होता है। इस प्रकार से न्याय की आवश्यकता है ना, और न्याय के लिए ही बच्चा जन्म से न्याय का याचक है, कह रहे हम। वो पैदा ही इसीलिए हुआ था, इसलिए वो जीवन के साथ भी जुड़ रहा है, व्यवस्था के साथ जुड़ रहा है, समग्रता में जुड़ रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ रहा है, सभी जगह पर वो संतुष्टिदायक हो रहा है। ठीक है ये बात, तो यहां से एंट्री लीजिए, दिस इज द एंट्री पॉइंट। ठीक, तो पूरी बात क्या हुई कि ये मानव जाति तक कैसे पहुंचे, उसमें मैं भी एक कड़ी मेरे पास आया, उसको आगे बढ़ाना है ना। इस विधि से इसको हम लोग जीते हुए समझते हुए, मस्ती करते हुए, हलवा खाते हुए है ना, दाल पपड़ी खाते हुए, मस्ती में घूमते करते, का न्यायपूर्वक जी सकते। कितना बढ़िया, बढ़िया है। चलिए तो 5 मिनट पहले, हाँ 8:30 हो गया, ठीक बात। तो जन्मदिवस भी है, और आज एक क्वेश्चन ऑनलाइन ले लेगा ले मैडम। लीजिए, ले फटाफट ले लीजिए। निष्ठा दीदी पूछ रहे हैं, मुझे न्याय के याचक की जगह न्यायदर्शी होने के लिए स्वयं में क्या करना है, क्या अभ्यास करूंगा? पूरी प्रकृति आपके साथ एक तरीके से व्यवहार कर रही है, इसको देखो। आप नहीं कर पा रहे हो ये देखो, और आप अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग कर पा रहे हो ये देखो, और सदुपयोग क्या है ये समझो, और कैसे हम सदुपयोग करें उस पर काम करिए। सदुपयोग होने के लिए भी सबसे कठिन काम तो सदुपयोग ही है, उपयोग करना सबसे सरल। पैसा जैसे कमाना है, एक प्रकार का उपार्जन है, उपयोग के कैटेगरी में आता है, सबसे सरल काम। दुरुपयोग करना उससे कठिन, बहुत सारा उटपटांग करना पड़ता है उसमें, और सदुपयोग करना आज की भ्रमित परंपरा में तो असंभव, सर्वाधिक कठिन। आपको कुछ पैसे दे दें, उसको सदुपयोग करके दिखाओ, पूरी ठंडे पैसे निकल जाएगा। जितना चाहिए उतना बोलो, बोल भाई अनुभव कितना चाहिए। आजकल मैं ऐसे बंटवाता रहता हूँ, बांटता नहीं रहता अपने भाई ही नहीं, बंटवा देता हूँ। देखिए तो ठंडा पसीना निकल आएगा, सदुपयोग करने में आप क्या करोगे? जाके सामान खरीद लो, किसी को बांट दिया है, ये सब दुरुपयोग। सदुपयोग करके दिखाओ, कितना ढांचा खांचा ये वो तमाम झंगा मंगा सब खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर उसका सदुपयोग होगा। आदमी घबरा जाता है, आदमी को अगर सदुपयोग की समझ नहीं है, 1 रुपया का सदुपयोग नहीं कर सकता हो। पैसा कमाना सबसे सरल निष्ठा दीदी, बर्बाद करना उससे कठिन, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा उटपटांग करना पड़ेगा, और सदुपयोग करना तो भ्रमित स्थिति में हो ही नहीं सकता है, इसीलिए लोग संग्रह कर लेते हैं, क्योंकि दुरुपयोग भी नहीं करना चाहते हैं।
है ना, और सदुपयोग आता नहीं है तो संग्रह कर ले, मान के कि संग्रह सदुपयोग हो जाएगा, आज अकल नहीं है कल अकल आएगी, कल कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारी कहानी बनी हुई, ये बात समझ में आई। तो सदुपयोग की ख्वाहिश एक बार जगाइए निश्चय दीदी, आप में तो निष्ठा बन जाए, समाधान समृद्धि ही पूर्वक ही सदुपयोग हो पाएगा, अपने आप न्याय घटित होगा जी, चिंता की कोई बात नहीं, ये पूरा कार्यक्रम न्याय के लिए ही, न्याय पूर्वक ही है, ठीक। सदुपयोग पूर्वक हम जिए, यही न्याय पूर्वक जीना है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि मेरी तरफ से।